और मैं तो चुनौती देता हूँ कि अगर हिम्मत है लालू यादव में तो बिहार में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाकर दिखलाएं। पीएफआई एक आतंकी संगठन है, सब कुछ वोट बैंक की राजनीति है, तो हर बार नाटक करने की जरूरत क्या है। देखिए लालू यादव की सरकार है बिहार में, और मैं तो चुनौती देता हूँ कि अगर हिम्मत है लालू यादव में तो बिहार में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाकर दिखलाएं। ये बहुत ही शर्मनाक है कि पीएफआई की तुलना आरएसएस से की जा रही है। पीएफआई एक आतंकी संगठन है जिसके सीरिया, इराक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से संबंध है, जिस पीएफआई पर विदेशों से और गल्फ देशों से पैसा संग्रह करना, नौजवानों को हथियारों की ट्रेनिंग देना और एक खास वर्ग के खिलाफ में लोगों को भड़काने का जिस पर आरोप है और जिस पर दर्जनों हत्या और हिंसा के मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे पीएफआई पर जब सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर पीएफआई की मदद कर रहे हैं। वो चाहे कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हों, लालू यादव हों, ललन सिंह हों, बलियावी हों, ये सारे लोग आज पीएफआई के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। शिवन तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना यह कोई अपराध नहीं है, यह भी विरोध करने का एक तरीका है। ये माले जो है, ये जब फुलवारी में छापेमारी हुई तो माले ने पीएफआई का समर्थन किया और कहा कि नाहक एक वर्ग विशेष के लोगों को तंग किया जा रहा है। देखिए महागठबंधन के नेताओं के लिए सब कुछ वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टिकरण, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। उसे ये बहुत दुखद है कि जिस आरएसएस की देशभक्ति पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई उसकी तुलना ये पीएफआई से कर रहे हैं। अब लालू जी तो बनने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हर बार नाटक करने की जरूरत क्या है। एक ही बार में घोषित कर दें कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। और पीएफआई के बारे में एक बात और बता दूँ कि कांग्रेस ने हमेशा पीएफआई को मदद करने का काम किया। कर्नाटक में 2013 से 18 तक सिद्धारमैया की सरकार थी, उसने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए पीएफआई के लगभग 160 मुकदमे जो 1600 लोगों पर दर्ज थे उसको वापस ले लिया। इसलिए इनको देश हित से मतलब नहीं है, ये इनको केवल वोट चाहिए और ये वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।